नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम आपके सामने जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह शहर का एक ज्वलंत मुद्दा है, जो है बस स्टैंड का। एक ओर जहां सरकार आम जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर हालात कुछ और ही नजर आते हैं। मूलभूत सुविधाओं का एक पार्ट है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शहर से दूर दराज ग्रामीण इलाकों को जोड़ने में रोडवेज बस महत्वपूर्ण संसाधन है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से सरकार और प्रशासन की अनदेखी के चलते रोडवेज अपना मूल अस्तित्व होती जा रही है। अब हालात ये हो गए हैं कि किसी समय में जहां पर कोटा रोडवेज डिपो के अंदर 100 से अधिक शेड्यूल बसें संचालित की जाती थी, वहां अब घटकर 70 से भी कम शेड्यूल बसें संचालित की जा रही है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि जनता से सफर करने पर प्राइवेट बस संचालक अधिक किराया वसूल रहे हैं। अगर हम शहर में बस स्टैंडों की बात करें तो नयापुरा बस स्टैंड जो लगभग 50 वर्षों से अधिक पुराना है और कोटा रोडवेज डिपो के लिए रीढ़ की हड्डी भी माना जाता है, लेकिन दुर्दशा का शिकार हो रहा है। कहने को तो संजय नगर में भी नया बस स्टैंड स्थापित कर दिया गया, बस स्टैंड का संचालन भी वहां से शुरू हो गया, लेकिन अधिकतर बसें आज भी शहर के बीच नयापुरा बस स्टैंड से ही संचालित होती है। इस बस स्टैंड की हालत लगातार बिगड़ रही है, बिल्डिंग टूट रही है, सुविधाएं खत्म हो रही है, लेकिन इस पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया और न ही अधिकारियों का। अब राज्य सरकार ने कोटा में नया बस पोर्ट स्थापित करने की बजट में घोषणा की है, तो इससे उम्मीद जगी है कि नयापुरा बस स्टैंड के दिन फिरेंगे। कोटा में रोडवेज बस स्टैंड की क्या हालत है, रोडवेज की क्या स्थिति है, क्यों नहीं रोडवेज बस स्टैंड से बसें संचालित हो पा रही है, क्यों गति नहीं पकड़ पा रही है, क्या इसमें रुकावट आ रही है, इसी को लेकर के हमारे रिपोर्टर राजेंद्र यादव ने तथ्यों को खंगाला, अधिकारियों से बात की, तो सभी का मानना है कि आज भी नयापुरा बस स्टैंड यदि बेहतर बना दिया जाए, सुविधाएं बढ़ा दी जाए, तो इससे बेहतर बस स्टैंड कोई हो नहीं सकता। यहां से प्रतिदिन लगभग 200 से ज्यादा बसें संचालित होती है और 50 से अधिक बसें रात्रि में यहां रुकती है। सरकारें बदली, लेकिन नयापुरा बस स्टैंड की किसी ने सुध नहीं ली। बाद में सरकार द्वारा रोडवेज बस वर्कशॉप जो कुन्हाड़ी में स्थित था उसे अधिग्रहण करके BOT के आधार पर संजय नगर पर नया बस स्टैंड बना दिया। इसका सीधा असर रोडवेज पर पड़ने लगा, रोडवेज के रेवेन्यू में कमी हुई। इस दौरान नयापुरा बस स्टैंड से सभी कार्यालय हटाकर संजय नगर बस स्टैंड पर स्थापित कर दिए और नयापुरा बस स्टैंड अनदेखी का शिकार होने लगा। वर्तमान में हालात ऐसे हैं कि कभी भी बस स्टैंड की दीवारें गिर सकती है, बस स्टैंड की जर्जर हालत है, लेकिन सरकार का व स्थानीय प्रशासन का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कई बार अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, जनप्रतिनिधियों को जानकारी दी, आंदोलन भी हुए, लेकिन हालात जस के तस बने रहे। पिछली सरकार के कार्यकाल में उम्मीद जगी थी कि इसका स्मार्ट सिटी के तहत सौंदर्यकरण किया जाएगा। रोडवेज के अधिकारी बड़े खुश हुए, उनके द्वारा भी प्रयास किया कि यह बस स्टैंड अच्छा हो जाए, क्योंकि रोडवेज को आय का मुख्य स्रोत यह बस स्टैंड है। इस बस स्टैंड से प्रतिदिन 10 से 15 हजार यात्री सफर करते हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी व प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी के चलते इस पर कोई कार्य नहीं हुआ और स्मार्ट सिटी के तहत होने वाला कार्य भी स्थगित हो गया। नयापुरा बस स्टैंड के आसपास चारों ओर निजी बस संचालकों ने भी अपने डेरे डाले हुए हैं। बीच में निजी बस संचालकों को प्राइवेट बस स्टैंड दिया गया, लेकिन सिटी सेंटर होने के कारण निजी बस संचालकों का नयापुरा से मोह नहीं छूटा। रोडवेज अधिकारी चाहते हैं कि निजी बसें उनको आवंटित किए गए बस स्टैंड से चले और रोडवेज को नयापुरा बस स्टैंड से संचालित किया जाए, ताकि रोडवेज को बचाया जा सके। कई पत्राचार भी हुए, लेकिन हालात जस के तस बने रहे, क्योंकि अब राज्य सरकार ने अपने बजट में कोटा बस स्टैंड को भी शामिल किया है। यहाँ पर नया बस पोर्ट स्थापित किया जाएगा, इसके लिए जगह देखने का साथ ही प्रस्ताव तैयार करके रोडवेज प्रशासन से मांग लिया। प्रभारी मंत्री, स्थानीय प्रशासन
अधिकारी भी इसके प्रति गंभीर हैं और एक उम्मीद बंधी है कि अब नयापुरा बस स्टैंड के दिन फिरेंगे। नयापुरा के बस स्टैंड का आधुनिकीकरण करने के साथ ही इसके आसपास हो रहे अतिक्रमण को भी हटाया जाना जरूरी है। इसके साथ ही ऑटो पार्किंग व अन्य वाहनों की पार्किंग भी इससे दूर की जानी चाहिए। रोडवेज बस चालकों का कहना है कि नयापुरा बस स्टैंड के बाहर निजी बस संचालकों ऑटो चालकों का इतना अतिक्रमण रहता है कि बस स्टैंड में उन्हें बस लाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। आए दिन ऑटो चालक झगड़े पर उतारू हो जाते हैं और तब तो हालत यह हो जाती है कि बस स्टैंड परिसर के अंदर भी ऑटो चालकों ने अपना कब्जा कर लिया है, जिससे आवागमन पूरी तरह प्रभावित होता है। अधिकारी पुलिस से कहते हैं, पुलिस चौकी भी मौके पर स्थित है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है, ना ही प्रशासन का, रोडवेज कर्मचारियों की कोई सुनता नहीं। बस चालक परेशान है। चालकों का कहना है कि ऑटो चालक आए दिन गाली गलौज करते हैं, उनसे पैसे तक छीन लेते हैं, उच्च अधिकारियों को कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सर, आप जब अंदर आते हैं कोटा के बस स्टैंड पे, काफी अतिक्रमण है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? और जी, ये ऑटो वालों को कहते हैं पिटी हटाते नहीं है, और वो एक नाली अलग बनी हुई है जिसमें गाड़ी बछड़ा खाती है, और ऑटो वालों की वजह से मोटरसाइकिल वाला हमारे से सामने से हटते नहीं है, इसलिए बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। कभी कभी ब्रेक करनी पड़ती है, कभी थोड़ी बहुत इनके टच भी हो जाती है, कोई एकता रखते हैं सब हमारे को, फिर फाटक खोल लेते हैं, माथापुटी भी करने लग जाते हैं, और इनको कहते हैं हटा लो तो ये हटाने की बिल्कुल कोशिश करते ही नहीं, एक दूसरा और उसके पीछे जाकर लगा देते हैं, ऐसा करके फिर हमारे को ब्रेक करके निकालनी पड़ती है। रोडवेज प्रशासन को चाहिए कि यहाँ से हटवाए, सारा साफ रहे, प्रशासन को चाहिए, साफ प्रशासन हटाएगा हमारा रोडवेज, पुलिस प्रशासन और रोडवेज प्रशासन दोनों हमारा अधिकारी कहेगा जब हटेगा, खाली पुलिस वालों के नहीं हटेगा। शुभ नाम सर आपका? राधेश्याम वैष्णव। काफी अतिक्रमण की समस्या है, अंदर तक ऑटो खोल ले आते हैं ये लोग कई बार, कितनी परेशानी आती है आप जब यहाँ आते? तो सर ये दिक्कत आती है, गाड़ी घुमाने पुलिया से जब हम नीचे आते हैं बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, इन ऑटो वाले सामने खड़े रहते हैं, वाहन को इन हमारे वाहन बड़ी है, 24 फीट लंबी है, यानी कम से कम, तो आगे पीछे लेने वहाँ पे एक्सीडेंट खतरा है, तो पीछे से गाड़ी आती है वो अट जाती है, उनको पैसे देना पड़ता है, माता पुटी कहते नहीं मानते, ऑटो वाले कहने के बावजूद भी हटाते नहीं, गाली गलौज पर आ जाते हैं, और पुलिस प्रशासन को ऑटो प्रशासन को चाहिए कि उनको हटावे यहाँ से, ताकि वहाँ हमको मतलब वाहन अंदर लाने में सुविधा हो, हमको तकलीफ रहती है हमको वाहन लाने के अंदर, कई बार विवाद पे भी उतार हो जाते हैं। जी बिल्कुल सर, विवाद बोलते गली गलौज करते नहीं मानते, वाहन को बोलते हटाओ, यानी हटाओ यहाँ से, ऑटो नहीं हटाते वहाँ से, कई बार ऐसे विवाद का सामना करना पड़ा हमको यहाँ कोटा में। शुभ नाम सर आप? सर भिलवाड़ा से हूँ, भिलवाड़ा डिपो असलम, असलम नाम। जी सर, निजी बसों का जमावड़ा खत्म होना ही चाहिए, ये कहना है यहाँ के आम लोगों का। नयापुरा चौराहा व उसके आसपास निजी बसें इतनी खड़ी हो जाती है कि यातायात तो प्रभावित होता ही है, आम आदमी भी परेशान होता है। यात्रियों को बस स्टैंड तक नहीं पहुंचने दिया जाता, उससे पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाता है, जबकि निजी बसों के संचालन के लिए अतिरिक्त बस स्टैंड बना दिया गया लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा। जी कितने सालों से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं? कम से कम 30-35 साल से काम कर रहा हूँ सर यहाँ, और कुली का काम करता हूँ। पहले बहुत बसें भी अच्छी चलती थी और ट्रैफिक भी ज़्यादा निकलता था, अब ट्रैफिक भी कम हो गया, क्योंकि पहले पूरे अधिकारी यहाँ पर ही बैठते थे, उन्हों की नॉलेज में अभी है, जैसे प्राइवेट गाड़ी वाले बाहर लगा लेते हैं गाड़ियों को, यहाँ पर बाहर बुकिंग हो रही है, इधर से सवारों को ले जाते हैं ये सर, और यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स में भी हिसाब करके व्यवस्था नहीं है, सुविधाओं में भी कमी आई है यहाँ पे, में भी बहुत कमी आई सर। जब आप यहाँ शुरुआत में आए थे तब कैसा चलता था बस स्टैंड? बहुत अच्छा सिस्टम था, चौहान सिंह जी के टाइम पर भी बहुत अच्छा सिस्टम रहा यहाँ पर, मतलब पूरे अधिकारी यहाँ पर ही बैठते थे, अब जर्जर होने लगी बिल्डिंग, बिल्डिंग पूरी जो उगली होगी वो पैसा आपका डर रहा है, कोई सुविधाएं नहीं अभी यहाँ पे, कोई सुविधा पर ध्यान नहीं। क्या नाम है आपका? राम प्रसाद। सरकार ने संजय नगर पर BOT के आधार पर बस स्टैंड बनाया, लेकिन आज भी वो अपने आप को आबाद नहीं कर पाया। वर्ष 2012 में यह बस स्टैंड बनकर कोटा रोडवेज डिपो को सौंपा गया, लेकिन शहर से एक तरफ होने के कारण यात्री यहाँ पर नहीं पहुँच पा रहे, और परिणाम यह है कि दिन भर में 10 से 12 यात्री ही यहाँ पहुँच रहे हैं, इस बस स्टैंड पर बड़ी बात मानी जाती है। कितने समय से भैया आप यहाँ दुकान, क्या स्थिति है यहाँ की?
देख रहे हो आप, आपके सामने जो आते हैं एक दो पाँच दस पैसेंजर आते हैं, यात्री नहीं आते हैं यहाँ पे। फिर आपका बिजनेस का कैसे रहता होगा यहाँ पे? बाकी बस स्टैंड से कोई आपको क्या नाम है आपका? शिवराज। नयापुरा बस स्टैंड प्रभारी नासिर अली का कहना है कि यह बस स्टैंड काफी पुराना है, प्रतिदिन 200 से अधिक बसें यहां से संचालित होती है। शाम के समय हरियाणा, जयपुर, चित्तौड़, उदयपुर रूट की बसें यहां पर नाइट होल्ड करती है, लेकिन बस स्टैंड की बिल्डिंग काफी पुरानी है, सुविधाओं का अभाव है। ऐसे में चालक परिचालकों को भी काफी परेशानी होती है। हालांकि उनके द्वारा जितनी सुविधा यहाँ पर है वो उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। नयापुरा बस स्टैंड पर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली प्रदेश के सभी रूट पर बसें संचालित होती है और यात्री भार भी काफ़ी अच्छा आता है। और रोडवेज डिपो के लिए तो नयापुरा बस स्टैंड एक रीढ़ की हड्डी है। कमाई का 90% हिस्सा रोडवेज को यहीं से मिलता है, लेकिन प्रशासन का ध्यान नहीं है। अब उम्मीद जगी है कि बस पोर्ट बनने से सरकार ने बजट में जो घोषणा की है, देखना है इसको लेकर आगे क्या होता है। एक चीज और बताइए, अपना बस स्टैंड ये नयापुरा बस स्टैंड कितना पुराना हो गया है, क्या स्थिति है और कितनी परेशानी आती है कर्मचारियों को यहाँ पर? देखो, सबसे पुराना ये बस स्टैंड है नयापुरा का, ये करीबन 1972 में करीबन बना था ये, और यहीं से रोडवेज की बसें संचालित हो रही थी और यहाँ से अच्छी आय होती है, 10-12 लाख रुपये उसकी इनकम है। और ये नयापुरा बस स्टैंड का आते हैं नापा तोली करके ले जाते हैं, मगर अभी इसका तो हाल फिलहाल तो कुछ भी है नहीं। बाकी ये नयापुरा बस स्टैंड नयापुरा ही बने और नयापुरा बस स्टैंड का यहीं से संचालित हो और ये बस स्टैंड जल्दी से जल्द बने। राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है कि बराबर जल्दी से बस स्टैंड बने। यहाँ से प्रतिदिन कितने यात्री निकलते होंगे, कितनी बसें 24 घंटे में निकलती हैं? यहाँ से 250 से लेकर 300 गाड़ियाँ 24 घंटे में निकलती हैं और 12-13 लाख रुपए रोज की इसकी इनकम है और 15-20 हज़ार यात्री डेली यहाँ से निकलते हैं, 15-20 हज़ार यात्री, और यहाँ से इसकी आय अच्छी होती है। लेकिन अब जैसे बस स्टैंड पुराना हो गया, यहाँ जो कर्मचारी हैं दिक्कत आती होगी, जर्जर है बस स्टैंड? सारा पुराना बस स्टैंड है इसका। हमने लिखित में मुख्यालय को 2-3 दफ़ा भिजवा दिया जयपुर, अब राज्य सरकार ने इसके आदेश तो कर दिए हैं। माननीय कलेक्टर साहब ने अभी 4-5 दिन पहले इसकी नापातोली भी करवाई थी और अब ये बहुत जल्द से जल्द बनने वाला है। कर्मचारियों को परेशानी रहती है कि पुराना बस स्टैंड होने के कारण? पुराना बस स्टैंड है, कर्मचारियों को दिक्कत आती है क्योंकि अभी कभी भी कोई भी छत टपक जाती है, सारा बस स्टैंड जर्जर हो रहा है, तो सारी पुराना बस स्टैंड है, तो जल्दी से जल्दी नया बस स्टैंड बने और जनता को भी लाभ मिले, कर्मचारियों को भी लाभ मिले। कोटा रोडवेज मुख्य प्रबंधक अजय मीणा का कहना है कि बस स्टैंड नयापुरा काफ़ी पुराना है, किसी समय यहां से 100 से अधिक शेड्यूल बसें संचालित की जाती थी, लेकिन कोरोना के बाद स्टाफ में भी कमी आई और बस काफिले में भी कमी आई। अब यहां पर लगभग 50 से अधिक बस सारथी काम करते हैं, ड्राइवर अनुबंध बसों को चला रहे हैं और अनुबंध पर कई बसें ली हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी इस डिपो की आवश्यकता अनुसार बसें उपलब्ध नहीं है। पिछले दिनों उनके द्वारा सरकार को नई बसों को लेकर पत्र लिखा गया, सरकार ने कुछ दिन पूर्व बसें भी उपलब्ध कराई है, लगभग 15 बसें उन्हें देने को लेकर सहमति बनी है और कुछ ही दिनों में ये 15 बसें आने की उम्मीद है। उसके बाद जो आवश्यक रूट है जहां से रोडवेज को अच्छा यात्री भार मिलता है, उस रूट पर उन बसों का संचालन किया जाएगा। काफ़ी समय से नयापुरा बस स्टैंड की मरम्मत के लिए प्रयास कर रहे थे, सरकार ने बजट घोषणा में बस पोर्ट की घोषणा की है, उनके द्वारा नयापुरा बस स्टैंड पर नया बस पोर्ट बनाने की लेकर 15 करोड़ से अधिक का प्रस्ताव बनाकर भेजा है। उम्मीद है कि अगले 2 महीने में इसका कार्य धरातल पर नजर आएगा और जल्द ही अगले 6 महीने के अंदर नयापुरा बस स्टैंड का कार्य शुरू हो जाएगा। सर, अपने कोटा में बस स्टैंडों की क्या स्थिति है, प्रेजेंट टाइम पे कितने बस स्टैंड यहाँ पे संचालित किए जा रहे हैं? वर्तमान में कोटा में 2 बस स्टैंड है, एक संजय नगर बस स्टैंड है, न्यू बस स्टैंड है जो 2012 में क्या बोलते स्टार्ट हुआ है और ये BOT मोड पे बना हुआ है, और एक बस स्टैंड है नयापुरा बस स्टैंड जो हमारा काफ़ी पुराना बस स्टैंड है, 40-50 साल पुराना बस स्टैंड है। और
अभी जो वर्तमान में पुराना वाला बस स्टैंड है वहीं से हमारी अधिकांश बसें संचालित होती है, वहाँ से 99% रेवेन्यू वहीं से है। तो अभी राज्य सरकार द्वारा भी बजट घोषणा में नयापुरा बस स्टैंड है उसके लिए घोषणा की है कि उसको रिनोवेट करवाया जाएगा या क्या बोलते हैं नया बस स्टैंड बनवाया जाएगा, तो उसके लिए मुख्यालय द्वारा राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाया गया है या तो इसको न्यूली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा या फिर क्या बोलते हैं BOT मोड पे जो नया बस स्टैंड है उसी तरह से क्या बोलते हैं BOT मोड पे बनाया जाएगा क्या बोलते हैं। कितनी आवश्यकता है इन सब की कोटा में अभी नए बस स्टैंड की? तो नए बस स्टैंड पे है हमारा, वैसे अभी यहाँ पर बसें आती हैं, यहाँ पर अधिकांश बसें वह आती है जो नाइट करती हैं क्या, तो यहाँ से हमारे पास कोटा से जैसे अधिकांश जो गाड़ियाँ हैं कोटा की वो सारी की सारी यहीं से संचालित होती है संजय नगर बस स्टैंड से, और कुछ लंबे दूरी की मार्ग की गाड़ियाँ हैं जो अनूपगढ़ की हैं, गंगानगर की हैं और भीलवाड़ा की गाड़ियाँ हैं वो भी यहीं से संचालित होती है, 12 झालावाड़ की भी, तो ये गाड़ियाँ सारी की सारी यहीं से संचालित होती है। कितनी परेशानी अभी जैसे यात्रियों को, दो बस स्टैंड है जो अपना नयापुरा वाला है काफ़ी जर्जर भी है, क्षतिग्रस्त भी है? क्षतिग्रस्त है क्या बोलते हैं, काफ़ी पुराना हो चुका है, पर इन फ्यूचर क्या बोलते हैं थोड़ी बहुत परेशानी है क्या बोलते हैं, इसके लिए हमने मुख्यालय को भी लिखा हुआ है बार बार और यहाँ जो आसपास विधानसभा क्षेत्र है विधायक साहब हैं उनको भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी क्या बोलते हैं जो हमारा नयापुरा वाला बस स्टैंड है काफ़ी जर्जर अवस्था में हो चुका है कि इसको जल्द से जल्द क्या बोलते हैं नया बनवा दिया जाएगा। अभी जो सरकार ने घोषणा की थी आपको भी उस कमेटी में रखा गया था, तो आपकी तरफ से सर क्या किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इसके लिए? हमारे द्वारा क्या बोलते हैं यहाँ से प्रस्ताव भिजवा दिया गया है क्या बोलते हैं, और जल्दी क्या बोलते हैं उसमें एक गाइडलाइन दे रखी है कि भाई 2 महीने में क्या बोलते हैं राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवा दिया जाएगा, उसके बाद में प्रस्ताव वहाँ से अप्रूवल हो जाएगा, अप्रूव होने के बाद में क्या बोलते हैं 2 महीने में उसकी DPR तैयार होगी, DPR के बाद में जल्द से जल्द क्या बोलते हैं इसका काम चालू हो जाएगा, मतलब 5-1 महीने में क्या बोलते हैं नयापुरा बस स्टैंड है जो क्या बोलते हैं तैयार होगा। सर कितनी बसें पर डे कोटा से ऑल ओवर संचालित होगी टोटल? कोटा से पर डे क्या बोलते हैं नयापुरा बस स्टैंड और संजय नगर बस स्टैंड को मिला के यहाँ से 150 के लगभग बसें क्या बोलते हैं संचालित होती हैं, और कम से कम 50 बसें क्या बोलते हैं यहाँ पर नाइट करती हैं। अपने कोटा डिपो की बात करें तो क्या स्थिति है बस काफ़ी लेके आया जो अपना यहाँ बेड़ा है, कितना पुरानी बसें हो गई, कितनी और आवश्यकता है, और पहले कितनी यहाँ से संचालित की जाती थी कोरोना से पहले? यहाँ पर कोरोना से पहले यहाँ पर शेड्यूल थे वो 95 के आसपास थे, जो अभी कम होके क्या बोलते हैं 81 के आसपास बचे हैं हमारे पास शेड्यूल, और 81 शेड्यूल के लिए 85 बसें चाहिए हमें, तो अभी वर्तमान में हमारे पास इस महीने भी हमारी 4 बसें हैं वो उनका अनुबंध समाप्त हो गया था, तो और मुख्यालय से हमें 2 नई बसें BS6 मिली है, इसलिए वाहनों की तो कमी भी है और बेड़ा में अभी क्या बोलते हैं काफ़ी पुराना हो चुका है फ्लीट भी, तो जल्द से जल्द अभी बसें आने चालू हो गई है क्या बोलते हैं, तो हो सकता है 1-2 महीने में क्या बोलते हैं कोटा डिपो को क्या बोलते हैं 15-1 बसें नई और मिलने की संभावना है। सर अपना डिपो है जो स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है काफ़ी? वैसे देखिए अभी मिनिस्ट्रल स्टाफ की वैसे कोटा डिपो में कमी नहीं है क्या बोलते हैं, कोटा में वैसे अभी परिचालकों की काफ़ी कमी है, उसके लिए भी मुख्यालय द्वारा क्या बोलते हैं बस सारथी है उसकी सेंक्शन है हमारे 62 के आसपास, जो 55 बस सारथी क्या बोलते हैं चल रहे हैं तो उससे उसकी पूर्ति हो रही है क्या बोलते हैं, उसके अलावा क्या बोलते हैं और स्टाफ है टेक्निकल का है या ड्राइवर का स्टाफ है वो सफिशियंट है हमारे पास क्या बोलते हैं संचालन के लिए। तो ये था आज का मुद्दा, कोटा रोडवेज प्रशासन को एक अच्छी खासी आय देने वाला रोडवेज बस स्टैंड इन दिनों दुर्दशा का शिकार हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा एक आधुनिक बस पोर्ट कोटा में बनाने की जो बजट में घोषणा की गई है अगर उस पर अमल होता है और उसको नयापुरा बस स्टैंड की जगह बनाया जाता है तो इससे कोटा के बस स्टैंड के दिन फिरेंगे और वापस यह बस स्टैंड आबाद होगा। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।
जय हिंद।